नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज तो ट्रेडिशनल एंड विलेज इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने जो ऑन गोइंग स्कीम थी डेट एस एफ यू आर टी आई इसको और ज्यादा फोकस में लेकर आने की कोशिश की है ताकि एक बेटर वे में बेटर अप्रोच के साथ इसे अचीव किया जा सके एंड ज्यादा इंटेंसिव कवरेज हो सके विद द एक्सपर्ट इनपुट तो स्पेशल एक कंपोनेंट uh, प्लान है कि ंड्रेड खादी इंस्टीट्यूट एंड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं बॉर्डर एरिया में हिल एरिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में उनको प्रोवाइड की जा सके स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके एंड इसके लिए 76 करोड़ की सैंक्शन कॉस्ट भी दी गई है साथ ही में इसी के अंडर कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर एंड एमएसएमए की मेंटरिंग को लेकर जो स्कीम्स हैं वो अभी इन परसुएस हैं एंड आर अंडर फाइनलाइजेशन नेक्स्ट इट इज एन एस आई सी डेट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटरप्राइज है अंडर द एमएसएमई सो मेन इसका मोटिव क्या है कि इसका मिशन क्या है कि इसने एम एस एम ई की ग्रोथ करनी है बाय प्रमोटिंग इट एडिंग इट एंड साथ ही साथ जो इंडस्ट्री रिलेटेड है टू द एमएसएमई उसकी ग्रोथ करनी है ताकि अल्टीमेटली एम एस एम ई ग्रो कर पाए सो ओवर द टाइम एन एस आई सी ने अगर हम एमएसएमई के बारे में बात करें तो यहां पर एक ट्रांजिशन लेकर आए हैं यानी कि एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए हैं रिगार्डिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहे वो मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करके हो चाहे वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के बारे में हो चाहे वो क्वालिटी के बारे में समझाने के बारे में हो या फिर जो लिंकेजिंग है यानी कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको लिंक करना है बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ तो अल्टीमेटली जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं ये भी ग्रो कर पाएंगी एन एस आई सी जो है ये कंट्री वाइड ये ऑफिस का नेटवर्क है एंड टेक्निकल सेंटर्स का नेटवर्क है ये कोई सिंगल ऑफिस नहीं है इसका पूरा नेटवर्क है पूरे इंडिया में फर्दर अफ्रीकन कंट्रीज में भी एन एस आई सी के ऑपरेशन है एंड उनको वो ऑपरेट करता है थ्रू द ऑफिस इन द जोहैनसबर्ग इन साउथ अफ्रीका इसके अलावा जो एन एस आई सी है इसके ट्रेनिंग कम इनक्यूबेशन सेंटर है जहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एंड जहां पर प्रोफेशनल मैन पावर जो है वो लगी हुई है ताकि जो पैकेज रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो एमएसएमई सेक्टर को प्रोवाइड की जाए यानी कि जो एन एस आई सी है ये हम कहते हैं ना एक प्रॉपर पैकेज बना के उनको दे रही है ठीक है उसी तरह से यहाँ पर एक प्रॉपर पैकेज बनाकर जो है ना जो प्रॉपरली डिजाइन किया गया किन चीजों को ध्यान रखते हुए ताकि जो एंटरप्राइज है वो कंपीट कर सके मार्केट में ठीक है वो एक एडवांटेजेस पोजीशन पर पहुंच सके तो उसके रिगार्डिंग यहां पर टेलर्ड स्कीम्स जो हैं एन एस के द्वारा एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड की जाती हैं एंड ये जो स्कीम्स रहती हैं दीज आर लाइक फैसिलिटेटिंग द मार्केटिंग सपोर्ट क्रेडिट सपोर्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट या फिर जो किसी और तरह की सर्विसेज की सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है टू द एंटरप्राइजेस एंटरप्राइजेज इट्स रिगार्डिंग की कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं रिगार्डिंग की यहाँ पर मार्केटिंग सपोर्ट के रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है क्रेडिट सपोर्ट के रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है फर्दर टेंडर मार्केटिंग की एंड सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन फॉर गवर्नमेंट परचेज बी टू बी बिजनेस वेब पोर्टल फॉर मार्केटिंग इंटेलिजेंस एग्जीबीशन एंड टेक्नोलॉजी फेयर बायर सैलर मीट ठीक है तो ये सर्विसेज यहां पर सपोर्ट सर्विसेज इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं इसके अलावा जो एन है ये क्रेडिट सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग रॉ मटेरियल खरीदना है तो उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर फाइनेंसिंग दी जाती है इसी तरह से मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर फाइनेंसिंग की जाती है फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पजेज एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी की जाती है थ्रू द सिंडिकेशन ऑफ बैंक यानी कि जहां पर नंबर ऑफ बैंक मिलकर सिंडिकेट को फॉर्म करते हैं एंड एक एंटरप्राइज को लोन सेंक्शन करते हैं दूसरा की क्रेडिट सपोर्ट भी यहां पर प्रोवाइड की जाती है